Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. तिरुवणमल्ले मंदिर के आसपास के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल। मंदिर अत्यधिक विशाल है, जिसमें 6 परिक्रमाएं हैं और प्रथम को छोड़कर सभी में अनेक देवी देवताओं और लिंगों के भव्य मंदिर सहित मूर्तियां स्थापित हैं। सबसे पहला है इनमें वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित यह मंदिर इस बात का द्योतक है कि हरि व शिव एक ही हैं। इस प्रकार का मंदिर दुर्लभ है। अगला है किली गोपुरम। इस गोपुरम की विचित्रता यह है कि इसके ऊपर मध्य भाग में एक तोता विराजमान है, जिसे संत अरुणगिरिनाथ का परिवर्तित रूप माना जाता है। अगला है दीप दर्शन मंडपम। ऐसी मान्यता है कि दीप दिवस पर पांचों भगवान इसमें दर्शन देते हैं। यह अनेक खंभों का बना प्रांगण है। अगला है महिजा वृक्ष। तीसरी परिक्रमा में एक पवित्र वृक्ष है, जिसके फूल पूजा में चढ़ाए जाते हैं। इसके फल तना तथा पुष्प औषधीय गुणों से भरपूर है। अगला है ब्रह्म तीर्थ। मंदिर में एक जल का कुंड है, जिसे अति पवित्र माना जाता है। अगला है राजा गोपुरम। यह सबसे लंबा गोपुरम टावर है, जो शिल्प कलाओं का भंडार है और अन्नामलाई पर्वत पर स्थित 6 परिक्रमा में आता है। अगला है वल्लभ महाराजा गोपुरम। यह पंचम और चतुर्थ परिक्रमा में स्थित है और इसका उपयोग अंतिम संस्कार हेतु किया जाता है। अगला है श्री पाताल लिंगम। एक मंडपम के पास एक बड़ी लंबी शिला सैकड़ों वर्षों से सीधी खड़ी है और इसका प्रादुर्भाव पाताल से है, अतः इसको पाताल लिंगम कहा जाता है।